वर्तमान में शिक्षकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, ऐसा कहना है टेट शिक्षक संघ के शिक्षकों का। 7th में फिक्सेशन, समान काम समान वेतन तथा शिक्षकों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर टेट शिक्षक संघ के शिक्षकों ने आरा में बैठक सम्पन्न की, जिसकी अध्यक्षता अमरदीप डिसूजा ने की। बैठक में पूरे बिहार के टीईटी शिक्षकों के भविष्य के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 10 मई को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में टीईटी शिक्षकों की एक अलग कोटी बनाकर उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के पैराग्राफ 78 के सलाह अनुसार आरटी 2010 के अनुसार बेहतर सेवा एवं सुविधा प्रदान करने की मांग को सर्वोपरि रखा जाएगा। दूसरा, नन टीईटी शिक्षकों को टेट पास करने का मौका देते हुए समय सीमा निर्धारित किया जाए एवं पास होने पर उन्हें भी टीईटी शिक्षकों की भांति सुविधा प्रदान किया जाए, जिससे राज्य पर एक मुस्त वित्तीय भार न पड़े। टीईटी शिक्षकों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने एवं टेट शिक्षकों की मान सम्मान एवं रक्षा करने के लिए संघ लड़ाई रणनीति बनाकर लड़ेगा। औरंगाबाद में टीईटी शिक्षक सुधीर सिंह के साथ डीपीओ मिथिलेश कुमार द्वारा की गई अमानवीय कृत्य की घोर निंदा एवं तय किया गया कि संघ सुधीर को न्याय दिलाने के लिए और तेज संघर्ष करेगा। 9 प्रशिक्षित टीईटी शिक्षकों के ग्रेड पे निर्धारित एवं 2.57 से गुणा करके निर्धारित कराने की सहमति बनाई गई। 18 तारीख को पटना में होने वाले बिहार के नियोजित शिक्षकों के एक दिवसीय प्रदर्शन एवं हड़ताल में शामिल होने या ना होने के लिए टीईटी शिक्षकों के नफा नुकसान को देखते हुए आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लेने के लिए सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। ये भी हम लोग एक चीज का ध्यान अवश्य रखेंगे, तो जब भी होता है कि हमारे समाज हम लोग एक आवाज ऐसा हो तौर पे हम लोग क्रांति का बिल्कुल घूम चुके हैं, अब आगे दबना नहीं चाहिए, आगे हम लोग का बढ़ते रहना चाहिए। अब हम लोग चुप नहीं बैठे, अब हम लोग लग गए यहाँ तक हम लोग बना उस नसी में हम लोग जिया के 80 वर्ष के बुढ़ा भी कभी कल जवान हो जाता जब मौका प्रस्त होता है। ये भी हम लोग अभी तो हम लोग का जवान है, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, यहाँ तक कुछ करना है। सर आज ये बैठक आप लोग कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? ये हमारे संघ की टीएसएस मूल की राज्य स्तरीय एक बैठक है। पूरे बिहार में जो शिक्षकों की स्थिति आज दयनीय हो चुकी है, चरमरा गई है, उसके लिए हम और खास करके टेट शिक्षकों के साथ जो इस राज्य में समस्याएं पैदा की जा रही है, चाहे 7th पे फिक्सेशन हो, समान काम के बदले में समान दाम की बात आती है, राइट टू एजुकेशन की बात आती है, वहाँ पर हम लोग राइट टू एजुकेशन के तहत बहाल ये टीचर शिक्षक बिहार रूपी ये शिक्षा के दलदल में इस तरह से फंस चुके हैं, इसे निकलने के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं और इस बिहार की क्रांतिकारी धरती बाबू कुंवर सिंह की धरती भोजपुर से पूरे बिहार में शंखनाद करेंगे। जिस प्रकार से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक साजिश के तहत हम शिक्षकों के साथ अन्याय किया है, छलने का काम किया है, उसको हम लोग अब रोड से लेकर सड़क से लेकर आंदोलन के रूप में एकजुट होकर लड़ कर लेंगे और ये शिक्षक विरोधी सरकार, जो शिक्षा विरोधी सरकार है, ये नीति सरकार है, उसको हम लोग उसकी हिला कर रख देंगे उस चूल को, क्योंकि जब तक विकास का ये ढोंग कर रहे हैं नीतीश जी, विकास की जड़ में शिक्षा है और हम ये शिक्षक चार चार माह बिना वेतन के स्टिपेंड पे एरियर के भुगतान के बिना भी हम लोग स्कूलों में पठन पाठन काम करते हैं, फिर भी ये शिक्षा विभाग के अधिकारी हम लोगों के साथ अन्याय करते हैं। इसलिए आज हम भोजपुर की धरती से ऐलान करेंगे कि अब शिक्षक बैठेगा नहीं, चुप नहीं रहेगा, हल्ला बोलेगा, भोजपुर की धरती से हल्ला बोलेगा और इसकी गूंज पटना तक जाएगी, तब जाके हमारे शिक्षकों को सम्मान मिलेगा। जय शिक्षक, जय शिक्षक समाज। परिचय बता दें, मेरा नाम सुभाष चंद्र बसु, भोजपुर जी।